यू नीड द ऑफिशियल व्हाट्सएप टू यूज दिस अकाउंट। यहाँ पे गाइज ये प्रॉब्लम तो आ ही गई है लोगों में और इसका सॉल्यूशन जो है अभी फिलहाल के लिए नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि गाइज यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि आप जो है व्हाट्सएप तभी यूज़ कर पाएंगे जब आप ऑफिशियल वर्जन व्हाट्सएप का यूज़ करेंगे। अगर आप यहाँ पे जी बी व्हाट्सएप या एफ एम व्हाट्सएप या कोई भी अनऑफिशियल व्हाट्सएप को यूज़ कर रहे हैं तो ऐसी प्रॉब्लम आना कॉमन है, क्योंकि गाइज व्हाट्सएप जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो चुका है अपनी पॉलिसीज को लेकर के। यहाँ पे गाइज अगर आप कोई भी अनऑफिशियल व्हाट्सएप को यूज़ कर रहे हैं तो ऐसी प्रॉब्लम आपको देखने को मिल जाएगी। लेकिन गाइस प्रॉब्लम यहाँ तब आती है जब आपका व्हाट्सएप में बहुत सारा चैट्स वगैरह होता है, फोटोज वीडियोस होते हैं और आपने उसका बैकअप भी नहीं लिया होता है। आपको नहीं पता कि भाई अब कैसे हम बैकअप लें, कैसे अपने चैट्स वगैरह को रिकवर करें, कैसे फोटो वीडियोस को लाएं, क्योंकि आप चाहते हैं कि हम जो है आगे से ऑफिशियल व्हाट्सएप को ही यूज़ करेंगे, अनऑफिशियल को हटा देंगे। लेकिन हटाने से पहले आपको बैकअप चाहिए, क्योंकि गाइस आपका जो चैट्स वगैरह होगा इंपॉर्टेंट या वीडियोज या फोटोज होंगे वो भी चले जाएंगे अगर आपने उसका बैकअप नहीं लिया है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप बैकअप ले सकते हैं, कैसे गाइज इस इश्यू को सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कमाल की होने वाली है। तो यहाँ पे गाइज आप सबसे पहले इसका बैकअप ले लीजिएगा, उसके बाद ही गाइज यहाँ पे एप्लीकेशन को डिलीट करिएगा, नहीं तो आपकी चैट्स वगैरह सब कुछ चला जाएगा, सारा डाटा आपका चला जाएगा और फिर गाइज आप उसको कभी भी रिकवर नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे गाइज इसके लिए आपको सिंपल सा करना क्या होगा, सबसे पहले गाइज आपको यहाँ पे जो भी व्हाट्सएप आप यूज़ कर रहे हैं, जी बी व्हाट्सएप, एफ एम व्हाट्सएप, उसको गाइज यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन में सबसे पहले अपडेट कर लेना है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन में अपडेट करके रखना है, क्योंकि लोअर वर्जन में रहेंगे तो आपको ये इशू काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जो मैं आपको कुछ प्रोसेस बता रहा हूँ उसको फॉलो कर लेना गाइज यहाँ पे, उसके बाद ही गाइज आपका जो व्हाट्सएप है अगर थोड़ी टाइम के लिए भी ओपन होता है तो तुरंत का तुरंत आपको बैकअप ले लेना है, नहीं तो आपका डाटा लॉस कभी भी हो सकता है। इसलिए जब भी आपका व्हाट्सएप ओपन हो आप ट्राई करते रहना, जैसे ही ओपन होता है आप तुरंत का तुरंत बैकअप ले लीजिएगा। बैकअप लेने का मैं तरीका भी बता दूंगा। तो सबसे पहले गाइज आपको लेटेस्ट वर्जन में अपडेट करने के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम की आईडी है टेक्नोरेंज ऑफिशियल के नाम से, देख सकते हैं यहाँ पे, इस पर मुझे फॉलो कर दीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा गाइज, तो मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है आगे आपको क्या प्रोसेस करना है। इसके लिए आपको सेटिंग्स पे आना है और यहाँ पे आपको लिखे सर्च करना है एप्स। एप्स लिखे गाइज आप जो यहाँ पे सर्च करेंगे तो यहाँ पे एप्स आ जाएगा, इस पर क्लिक करना, ऐप मैनेजमेंट वाला ऑप्शन आएगा, आपको यहाँ पे ऐप मैनेजमेंट वाले ऑप्शन पे चले जाना है। यहाँ पे गाइज आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी। अब यहाँ पे गाइज यू हैव टू सर्च योर जी बी और एफ एम व्हाट्सएप इन दिस लिस्ट। यहाँ पे गाइज आपको सर्च करना है, सर्च करने के बाद में यहाँ पे ओपन करना है और वन टाइम इसको फोर्स स्टॉप कर देना है। फोर्स स्टॉप करने के बाद में आपको स्टोरेज यूजेस पे जाना है, क्लियर कैशे कर देना, क्लियर डाटा मत करना। क्लियर कैशे इसलिए कर देना क्योंकि यहाँ पे कैश वगैरह होगा वो क्लियर हो जाएगा, डाटा मत करना नहीं तो आपका जो है सारा कुछ चला जाएगा, जो भी डाटा इसमें पड़ा होगा चैट्स वगैरह सब कुछ चला जाएगा। ठीक है, तो अब इतना प्रोसेस कर लेना है और अपडेट करके भी लेटेस्ट वर्जन में रखना है। उसके बाद में आपको गाइस कैसे बैकअप लेना है, चलिए गाइस मैं आपको बता देता हूँ। आपका व्हाट्सएप ओपन ज़रूर होगा, जी हाँ दोस्तों, चाहे थोड़े टाइम के लिए ओपन हो लेकिन ओपन ज़रूर होगा। इसके बाद में आपको अपने व्हाट्सएप पे बैकअप कैसे लेना है चलिए बता देता हूँ। तो यहाँ पे जैसे ही गाइज आप जो है सेटिंग्स में आएंगे, यहाँ पे चैट्स का ऑप्शन दिखेगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में थोड़ा सा नीचे जाना है, चैट बैकअप का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक कर देना गाइज। और जैसे चैट बैकअप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका बैकअप आ जाएगा, यहाँ पे सिंपली बैकअप वाले ऑप्शन पे क्लिक करके बैकअप ले लेना है। लेकिन इसके पहले आपको एक गूगल अकाउंट यहाँ पे डाल देना है, जिस भी गूगल अकाउंट को यहाँ पे आप डालेंगे वही गूगल अकाउंट में आपका सारा बैकअप जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में इंक्लूड वीडियोज़ भी, अगर आप वीडियोज़ का भी बैकअप लेना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे जो है ऑन कर सकते हैं। अब बैकअप आप जब भी गाइज ले लेंगे उसके बाद में आपको व्हाट्सएप को अपने डिलीट कर देना है, जो भी आपका जी बी एफ एम व्हाट्सएप को डिलीट कर देना है। और आपको यहाँ पे ऑफिशियल व्हाट्सएप डाउनलोड कर लेना है आपके प्ले स्टोर से। जी हाँ दोस्तों, ऑफिशियल व्हाट्सएप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, अपना वही नंबर डालिए जिससे आपने अपने जी बी आर एफ एम व्हाट्सएप पे जो है अकाउंट बना के रखा था, तो वही नंबर से यहाँ पे आपके जो ऑफिशियल व्हाट्सएप पे आपको लॉगिन कर लेना है और बैकअप रिस्टोर वाले ऑप्शन पे जाकर के अपनी सारी जो डाटा वगैरह होगा, चैट्स वगैरह होगा, उसको रिस्टोर कर लेना है। तो यहाँ पे ऐसे करके गाइज आप जो है बैकअप ले सकते हैं और अपनी चैट्स वगैरह को, सारे जो है वीडियोस फोटोज वगैरह को रिकवर कर पाएंगे। लेकिन पहले आप डिलीट बिल्कुल भी मत करना जब तक आपका बैकअप नहीं हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे गाइज मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। बाकी कोई सा भी क्वेश्चन हो, कोई सा भी आपको प्रॉब्लम आ रहा हो तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे टेक्नोलॉजी ऑफिशियल के नाम से फॉलो कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, साथ ही साथ कोई सा भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। मिलते किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में कमाल की वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।